हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा स्थित मध्य विद्यालय सह माध्यमिक उच्च विद्यालय रजनपुरा व पकड़ी पंचायत के डीबी स्थित विष्णु देव प्रसाद यादव उच्च विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, डीडीसी भूपेंद्र कुमार यादव, एसडीओ सुनील कुमार, डीपीओ तरणी कुमारी, बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रभात कुमार, मुखिया मुर्शिद खान व प्रभुनाथ यादव आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम गुप्ता ने कहा कि ये जनसंवाद का 5वां कार्यक्रम है, जहां सभी कार्यक्रमों में महिला भागीदारी काफी सराहनीय रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, जल जीवन हरियाली योजना, जीविका स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य आदि में काफी बदलाव हुआ है। लोग भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हर विभाग में युवाओं को नौकरी मिल रही है। सभी योजनाओं का लाभ पाने में दिक्कत हो तो आप सभी संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं डीडीसी, मिट्टी जांच पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक, आईसीडीएस, बाल संरक्षण सहायक निदेशक, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, पीजीआरओ, डीपीएम, स्वास्थ्य विभाग के डीआईओ, मनरेगा डीपीओ आदि पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं शिविर में स्वास्थ्य, जीविका, समाज कल्याण, स्वच्छ लोहिया अभियान, बिजली, शिक्षा आदि का स्टॉल लगाया गया था, जहां डीएम द्वारा निरीक्षण नहीं करने पर सभी मायूस दिखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ सर राम व संचालन शिक्षक परवेज अशरफ ने की। मौके पर पीओ अरविंद कुमार दास, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार, बीओ डॉक्टर राजकुमारी, सीडीपीओ कुमारी उषा सिंह, बीपीआरओ शालू कुमारी, आरओ सनेहा गुप्ता, बीपीएम रजनीश कुमार, थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर, बीसीओ मिथिलेश कुमार, बीसी अनिल कुमार राम, जेई बलिंदर पंडित व प्रमोद कुमार, महिला सुपरवाइजर के अलावे जेपी यादव, गुड्डू सिंह, अनिल राम, महेश यादव, हामिद खान, रविंद्र यादव, नकुल यादव, जय नारायण प्रसाद, राजेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। तो आइए हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रखंड किशनपुरा के उच्च विद्यालय रजनपुरा में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, हमारे सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, पंचायत स्तरीय प्रधानगण उपस्थित, इस पंचायत के माननीय मुखिया जी, अन्य पंचायतों से आए हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस पंचायत के माननीय वार्ड सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारी जीविका की दीदियाँ, संतरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे सम्मानित आम नागरिकगण, इस विद्यालय के उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी बंधु, सबसे पहले मैं इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी लोगों को बिहार सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे से पहले सभी वक्ताओं को सुना, हमारे सभी पदाधिकारियों ने आप लोगों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में यह जो जनसंवाद कार्यक्रम अपने जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। आज हसनपुरा प्रखंड 5वां प्रखंड है जहां हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और यह 9वां पंचायत है। इसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग इसी प्रखंड के दूसरे पंचायत में जाके इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताया है और सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। सरकार का यही लक्ष्य होता है कि आम जनता की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उसके लिए योजनाओं का निर्माण हो और पदाधिकारियों के माध्यम से मुझे उन योजनाओं का क्रियान्वयन। सबसे पहले जैसा कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया, आप सभी अवगत हैं कि सरकार, बिहार सरकार अपने सभी विभागों के द्वारा सैकड़ों की संख्याओं में योजनाओं का संचालन कर रही है। चूंकि हम लोगों के पास 2-3 घंटे का ही समय होता है तो आप ये समझ लें कि जितनी योजनाएं आपको बताई गई हैं उससे कई ज्यादा योजनाएं हम लोग अभी नहीं बता पाए।
हम लोगों ने वही योजनाएं बताई है जो प्रमुख है और जो हम लोग चाहते हैं कि जिसका लाभ जन जन तक पहुंचे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपको यह विश्वास दिलाते हुए अनुरोध करूंगा कि आपकी जो भी जरूरत है उसके लिए सरकार की कोई ना कोई योजना है। यदि हमने उन योजनाओं की जानकारी आज आपको दे दी तो आपके पास जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यदि उन योजनाओं की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई है तो आप अपने पंचायत के माननीय जनप्रतिनिधिगण या हमारे पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मीगण या हमारे प्रखंड के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण से संपर्क स्थापित करके उन योजनाओं की जानकारी आप ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो DDC साहब ने और बाकी पदाधिकारियों ने आपसे बताई है, मुझे लगता है कि उसको मुझे भी आपसे साझा करनी चाहिए। इससे पहले कुछ और विभागों की जानकारी हम अपने स्तर से आप लोगों को दें, एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे साझा करनी है और सिवान जिले का जैसा मैंने बताया यह 5वां प्रखंड है जहाँ हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक जो विशेषता सिवान में मुझे लगातार सभी प्रखंडों के भ्रमण में जो नजर आई और आज यहाँ पे भी वही भूमिका मुझे दिख रही कि महिलाओं की उपस्थिति सभी जनसंवाद कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा रहे और यह उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% आरक्षण देकर हमारा प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारी महिलाएं हमारे घर की बहनें ले रही हैं और हमारा प्रतिनिधित्व बिहार राज्य के कम से कम 50% आबादी का प्रतिनिधित्व हमारी महिलाएं कर रही हैं। उसके साथ साथ 7 निश्चय 1 के तहत रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में कम से कम महिलाओं की भागीदारी 35% करने के लिए जो आरक्षण सरकार ने दिया है उसी का प्रतिफल है और साथ में जो जीविका संगठन का निर्माण किया गया है और उसके माध्यम से जो सशक्तिकरण करने का काम किया गया है, तो इन 3 योजनाओं का 50% पंचायती राज व्यवस्था में, 35% रोजगार शिक्षा में और जीविका के निर्माण से जो महिलाएं हमारी सशक्त हुई हैं, जो मजबूत हुई हैं, अपनी बातों को दृढ़तापूर्वक साहस के साथ सभी स्तर के पदाधिकारियों के सामने रखने का, अपने घर में अपनी बात को रखने का, जो आप महिलाएं मजबूत हुई हैं, इसके लिए हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। एक बार सभी से अनुरोध करते हैं कि हसनपुरा प्रखंड की सभी महिलाओं सभी बच्चियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार में बदलाव हुए हैं, बिजली के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, सड़क के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, पानी जो हम लोग शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करते हैं उसमें जो बदलाव हुआ है, जल जीवन हरियाली के तहत पर्यावरण में जो बदलाव हुआ है, उद्योग विभाग की तरफ से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कारण जो बदलाव हुआ है और सरकारी नौकरी में जो आजकल आप लोग देख रहे हैं लगातार हर महीने लाखों की संख्या में सरकारी रोजगार सृजन करने के लिए सरकार विज्ञापन निकाल रही है। अभी BPSC के माध्यम से आपने देखा पिछले ही महीने 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का परीक्षा हुआ था, सिपाही भर्ती की परीक्षाएं हो रही है, हजारों की संख्या में सिपाही भर्ती कर रहे हैं। पिछले वर्ष पंचायत सचिव हजारों की संख्या में बहाल हो रहे हैं, राजस्व कर्मचारी हजारों की संख्या में बहाल हो रहे हैं, अमीन हजारों की संख्या में बहाल हो रहे हैं, डॉक्टर्स हजारों की संख्या में बहाल हो रहे हैं, ANM की बहाली हो रही है, आशा बहनों की बहाली हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली हो रही है, ATM, BTM, किसान सलाहकार, कृषि समन्वय की बहाली हो रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो रही है, लिपिकों की बहाली हो रही है, पदाधिकारियों की बहाली हो रही है। तो सरकार जो हमने कहा कि कल्याणकारी सरकार है जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार देना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराना है, उसमें लगातार सरकार मजबूती से काम कर रही है। पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं और जो परिवर्तन आया है उसको बचाए रखें। जैसा कि दीदी जी साहब ने कहा कि आप देखते हैं कि गांव गांव में 7 निश्चय 1 के तहत गली गली का निर्माण कर दिया गया, सड़कों का जाल बिछा दिया गया, पटना जाने में हम लोग को 3 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता, बिहार के किसी कोने से पटना जाने में 6 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता, 7 निश्चय 2 के तहत जो भी मुख्य शहरी क्षेत्र है उसमें बाईपास का निर्माण हो जाएगा तो यह 6 घंटे से घट के 4.5 घंटा या 5 घंटा होगा,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव आए, सिवान अपने जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण हो रहा है। आपको बताया गया कि कैसे 85 की संख्या में 85 टोटल 85 की संख्या में PHC, CHC, APHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि कितना भारी परिवर्तन हो रहा है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हो रही है, अब कमरे नहीं है तो कमरे बनाए जा रहे हैं, बेंच डेस्क नहीं है तो बेंच डेस्क अपने जिले में सिर्फ बेंच डेस्क खरीदने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा विभाग को दी है। हर एक विद्यालय में जहाँ क्लासरूम कम है वहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड क्लासरूम बनाने के लिए हर एक प्रिंसिपल को स्वतंत्रता दी गई है। हर एक विद्यालय के संचालन को जो राशि खर्च करने की सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। शिक्षक की बहाली जब तक होती है तब तक के लिए गेस्ट शिक्षकों की बहाली हो रही है। हर एक विद्यालय में कंप्यूटर लैब का स्थापन किया जा रहा है, सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी की बहाली की जा रही है। तो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार लगातार भारी बदलाव करने का काम कर रही है और इस जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यह बदलाव आपको बताया जाए और यह बदलाव की जब जानकारी आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा सकेंगे। आप अभी देख रहे हैं, मैं तो इस विद्यालय को देख के आश्चर्यचकित हूँ। हमारे सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग पूरी तरह से पोशाक राशि का उपलब्ध करा के सभी बच्चे यूनिफॉर्म में, कोई एक बच्चा नहीं है जो यूनिफॉर्म में नहीं। सभी बच्चे के गले में ID कार्ड नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह दृश्य सिर्फ पहले प्राइवेट विद्यालयों में देखने को मिलता था और मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी शिक्षक भी समय पर आ रहे होंगे और बच्चे और शिक्षक यदि समय पर आ रहे हो तो निश्चित रूप से पढ़ाई भी हो रही होगी। तो ये सारे जो बदलाव आए हैं ये सरकार की दूरदर्शिता का नमूना है। मेरा सभी से अनुरोध होगा जितनी भी योजनाएं आपको बताई गई हैं उसका लाभ पूरा उठाए। लास्ट में हम बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपसे ये कहेंगे कि सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए एक मूल मंत्र यही है कि पहले आपको अपनी जरूरत समझनी है और सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जिला अधिकारी होने के नाते हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी वाजिब जरूरतें, आपकी जो वाजिब जरूरतें हैं, चाहे आप किसी संप्रदाय से हो, किसी जाति से हो, किसी वर्ग से, आपकी जो वाजिब जरूरत है निश्चित रूप से सरकार की कोई ना कोई योजना उसके लिए, आपको बस अपनी वाजिब जरूरत को महसूस करना है। आप यदि समर्थ नहीं है, आपको लगता है कि आपको इसमें सरकार की मदद चाहिए और वो आपका अधिकार भी, तो आप अपने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण से या अपने जनप्रतिनिधिगण से या हमारे पंचायत स्तरीय कर्मीगण से निश्चित रूप से संवाद स्थापित करें, उनसे पूछें कि हमको ट्रेनिंग चाहिए कंप्यूटर का, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे। तो आपको बताया जाएगा कि कैसे जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के माध्यम से आप KYP में एडमिशन ले सकते हैं और अपने प्रखंड में ही आपके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं जहाँ मुफ्त में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको रोजगार की आवश्यकता है, आप सरकारी रोजगार को जाना चाहते हैं तो विज्ञापन निकल रहे हैं, अपनी काबिलियत, अपने शैक्षणिक दक्षता के आलोक में आप फॉर्म भरिए। आप चाहते हैं कि हमको स्वरोजगार करना है, हमको नौकरी नहीं करना है, हमको अपना कुछ करना है, तो आप उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारी महिलाएं, हमारी शादीशुदा महिलाएं, आज आप किसी भी उम्र की हो, आपको लगता है कि नहीं हमको उद्योग लगाना है, प्लेट पेपर का उद्योग लगाना है, अगरबत्ती का उद्योग लगाना है, आपको LED बल्ब का उद्योग लगाना है, आपको किराना दुकान खोलना है, तो आप मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको लगता है कि हमको उद्योग लगाना है तो मुख्यमंत्री पिछड़ा उद्यमी योजना का लाभ ले सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अभी हाल ही में 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की, उसका आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 10 लाख रुपये की राशि सरकार उपलब्ध कराएगी, जिसमें 5 लाख रुपये आपको अनुदान रहेगा जो आपको नहीं लौटाना है और 5 लाख रुपये आपको 7 साल में लौटाना है। तो सरकार हरेक वर्ग, हरेक समुदाय के लिए, वो रोजगार की हो, स्वरोजगार की हो, ट्रेनिंग की हो, या पानी पीने की हो, बिजली के क्षेत्र में भी बदलाव आया है आप लोग देख रहे हैं। तो अंततः मेरा यही अनुरोध होगा कि
हसनपुरा को विकसित बनाने के लिए, सीवान जिला को विकसित बनाने के लिए, पूरे राज्य को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है कि आप सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लें, अपने पदाधिकारियों से अपने अधिकार की मांग करें। और आवश्यकता पड़ता है, आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जैसे बताया गया लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास या शुक्रवार को स्वयं जिला पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार हम लोग आयोजित करते हैं, आप वहाँ पर भी आकर अपनी बात रख सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं प्रति सोमवार को जनता दरबार का आयोजन पटना में कर सकते हैं। आपको लगता है यदि जिला स्तर से भी आपकी समस्या को निराकरण नहीं हो रहा है, आपकी जरूरतें पूरा नहीं हो रही है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी अपनी बात रख सकते हैं। और उसके लिए भी सारी व्यवस्था हम लोग को करनी है, आपको ले जाने की, आपको ठहराने की, आपको खाना खिलाने की सारी व्यवस्था करनी है। तो अभी एक बहुत सभी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।